हाँ जी, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। देखिए ये महाराज आया और उसके बाद फिर निकल गया, तो इसे जाने दीजिए। ये मंदिर ले चलते हैं आप लोगों को, दुर्गा माँ का आखिरी दर्शन करवाते हैं। आज विजयदशमी है तो आप सभी को हैप्पी विजयदशमी। तो चलते हैं माता रानी के दरबार में और जय माता दी बोल के आते हैं। आप सभी को भी जय माता दी। तो जी हाँ, अभी आप लोग सिर्फ माइक की आवाज़ सुन रहे हैं, एकदम शांत सब। हम लोग का इलाका एकदम शांत हो चुका है अभी। शाम को क्या होगा, रात को क्या होगा तो मुझे मालूम है, शाम को रात को आप लोग को दिखाएंगे। और क्या बोला जाता है, वहाँ आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था वहाँ से, लेकिन घर पे अभी खाना भी तो फटाफट बनाना है। अभी मूर्ति ले जाएंगे लोग तो वो भी दिखाना है, वो भी देखना है। भसान में विदाई भी अभी देना, वहाँ से तो विदाई दे के आ गई मैं, लेकिन अभी रास्ता में ले जाएंगे तो विदाई देना है। तो फटाफट 11 बज गया, फटाफट खाना बना लेते हैं। 12 बजे तक, 12:30 बजे तक मूर्ति निकलेगा, वहाँ से हम खबर ले कर आए। और बहुत ही अच्छा लगा, मैंने आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे। अभी कंचन देवी का वहीं पर आप लोग को जो दिखाएं पहले से, उसमें तो मेरा आवाज़ बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ माइक इतना बज रहा है आज ना कि हम वॉइस अपना रिकॉर्ड नहीं कर सके वहाँ पे। और ये भी आ गई अभी, लेकिन आने का किसी का मन नहीं था, लेकिन क्या करते हैं, आना तो पड़ेगा ही, आना पड़ेगा। वहाँ रहेंगे ना तो और मतलब इमोशनल एकदम ये हो रहा था, तो मैंने बोला नहीं चलो जाते रहेंगे वहाँ से, और आने का मन नहीं करेगा लास्ट में फिर। मेरा तो बचपन में, जब मैं बचपन बच्चा थी, जब मैंने 5-4 में पढ़ती थी, तब मैंने दिन भर, उस टाइम तो पीछे दुकान भी नहीं था, पीछे रास्ता भी नहीं था, इस साइड से जाके मैं जब तक मूर्ति नहीं जाता था, मूर्ति को उठाना देखना मैं सारा कुछ मेरा वहीं पे बीतता था बचपन। तो जी हाँ, अभी मूर्ति निकलना चालू हो गया है, 12:15 हो चुका है और हम बना रहे हैं खाना अभी तक ही, अभी भी खाना ही बना रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए खुशी है बहुत बड़ा खुशी है कि मेरे एक पहला इंस्टा जो रील, मैंने इंस्टा में तो हम रील डालते ही है, लेकिन अभी हम गए थे वहाँ पे पंडल में ना, तो वहाँ एक रील बना कर डाले और फर्स्ट टाइम उस पर 800 के करीब लाइक उठ चुके हैं। तो ये सब माता रानी की कृपा है। और ये भसान वाला भी यूट्यूब जो वीडियो हम बना रहे हैं वो भी ऐसे ही वायरल हो जाए, जैसे मेरे अभी इंस्टा में रील वायरल हो रहा है, वैसे ये भी वीडियो वायरल हो जाए माता रानी की कृपा से, तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही खुशी होगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा। अब देखते हैं क्या होता है, आप लोग भी थोड़ा जोर लगाइएगा ये वीडियो वायरल करने के लिए, ठीक है। अभी मूर्ति निकल रहा है, पीछे जा रहे हैं, देखते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, मूर्ति जाने के समय तो दिखाएंगे ही। जी के भसान में इतना बड़ा बम का लड़ी,
जी हाँ, आप सभी ने हमारे यहाँ का भसान देखा। अभी पीछे देख सकते एकदम शांत पड़ चुका है पूरा ये इलाका। मैंने शांत सुबह से तो शांत था, थोड़ा माइक बज रहा था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मूर्ति जाने के बाद एकदम शांत हो चुका है। और 2020 से हम लोग को जो रोड पे जो प्रोसेशन होता था वो तो बंद हो चुका है, तो हम लोग घर पे अब 2 साल से तो है, पहले अगले साल भी थे घर पे, इस साल भी घर पे, नहीं तो मेन रोड पे जाते, पूरा मेन रोड पूरा भीड़ हो जाता था मेला भसान से, भसान देखने के लिए। तो अभी तो सब बंद है तो क्या जाने तो सकेंगे नहीं, तो यहीं पे दुकान पे है, दुकान कितना देर तक खुला रहता है वो भी देखते हैं और चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, ये ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और शाम को एंड करेंगे। आज तो IPL का फाइनल भी है तो वो भी देखेंगे, चेन्नई KKR, तो IM चेन्नई सुपर किंग, तो देखते हैं शाम को। मेरा मन तो उसी में लगने वाला है शाम को, हम वही सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे शाम को, क्योंकि शाम को तो और ही ख़राब लगेगा। तो शाम को तो एक है कि IPL चालू होगा 7:30 बजे से, तो 7:30 बजे से IPL ही देखा जाएगा। तभी चलते हैं, पहले खाना पीना खाते हैं, अब तब इस ब्लॉग को एंड नहीं कंटिन्यू रखते हैं और कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं। अब तो हम मुँह थोड़ा धोते हैं, एकदम पसीना से हालत ख़राब हो चुका है। हाँ जी, मूर्ति भसान करके आ गए पेंडल के सारे लोग और आके हमें प्रसाद भी मिल गया, पानी वहाँ से जो आता है वो भी आ गया। और अभी हम यहाँ पे बैठ के यही सोच रहे हैं कि जब प्रोसेशन अगर होता तो अभी तो हम लोग भसान देख के, प्रोसेशन देख के टाउन से मेन रोड से घर पे आते, 4:30 बजे तक पहले आते थे और मूर्ति 4 बजे वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाता था 6, वहाँ से आते आते कभी मूर्ति मतलब पेंडल में जो भसान करने जाते हैं वो कभी 7 बजे कहीं 7:30 तक आते थे रात पहले। और अब तो ऐसा हाल है कि 4:30 नहीं 4:45 बजे सब कोई आ गया था, तो वहीं पे आए तब चाचा गए पानी लिखवाए और फिर प्रसाद भी लिखवाए, तो भी खाओ को भी बैठे हुए हैं। और हम बोले थे कि कल सुबह ही वीडियो जो नवमी में हम वीडियो बनाए हैं वो सुबह ही क्या बोला जाता है एडिट करके डाल देंगे, लेकिन नहीं हो पाया, सुबह से तो बिजी थे। तो अभी टाइम है तो अभी हम जा रहे हैं, एडिट करेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, अभी हम पंडाल के पास आए हुए हैं, लाइट उच चल रहा है, लेकिन कल यहाँ जितना भीड़ उड़ था, जितना शोर शराबा था, आज कुछ नहीं है, सब शांत पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एकदम सुन कल कितना अच्छा लग रहा था। और अभी हम ब्लॉग अपना एडिट कर रहे थे तो हमने चलो थोड़ा घूम के आते हैं, मूड फ्रेश कर पाते हैं, इतना अच्छा तो लग नहीं रहा है भसान होने के बाद, तो क्या करेंगे, इसलिए घूम के आए हैं, थोड़ा घूम के जा रहे हैं। अब मेरे पीछे पंडाल आप लोग देख सकते हैं, एकदम खाली सुनसान, कोई भी नहीं है, सिर्फ एक दो आदमी बाहर घूम रहे हैं, वही सब है, नहीं तो और कोई नहीं। तब हम भी जाने हैं घर ही, आज आपको फिर एडिट में लगते हैं, एडिट करने में। और हम और ये मेरे भोले बाबा, हम दोनों ही आए हुए हैं और घूमते घूमते देख रहे हैं कल कितना भीड़ था, कल कितना शोर शराबा मचा हुआ था, लेकिन आज एकदम शांति। और एक गाड़ी तो उड़ाते हुए आ रहा है, देखिए कैसे पार हो रहा है, देखिए इतना स्पीड उधर से आया ना अभी, तो वही है। तो अभी जाते हैं घर पर, ब्लॉग को एडिट करके अपलोड में लगाते हैं, एक्सपोर्ट करके, उसके बाद ये ब्लॉग एंड होगा है कि नहीं। और ऐसे भी 7:30 बजे से CSK KKR IPL है, देखना मत भूलिएगा। और हम तो CSK सपोर्टर है, ये भी CSK सपोर्टर ही है मेरा भाई, हम भी CSK के सपोर्टर है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, आज CSK जीतता है या नहीं, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से CSK को ही जीतना चाहिए बस। तो चलिए घर पे जाते हैं, तब ब्लॉग बनाते हैं। हाँ जी, अब सभी का फिर से स्वागत है, रात के 10 बजे, तो अभी हम CSK का मैच देख रहे हैं। और अभी क्या बताएं, 50-50 तो लग रहा है, ये
50-50 भी नहीं लग रहा, लग ही रहा है कि कलकत्ता ही जीतेगा। अब पापा बैठे हुए हैं कलकत्ता के सपोर्टर और मैं बैठी हुई हूँ सीएसके के सपोर्टर। अब रात के 11:30 बजे तक ही मालूम चलेगा कि हाँ फाइनली कौन जीत रहा है, तो वही आप लोग को भी बता रहे हैं। और शाम को तो एकदम सुनसान, आप लोग वीडियो देखे, वहाँ से आने के बाद मैंने वीडियो को एडिट किया और उसे अपलोड कर दिया, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। यानी तो इसके एंड स्क्रीन में नहीं मिलेगा आप लोग को, इसके एंड स्क्रीन में पार्ट टू मिलेगा, पार्ट वन तो पहले गया है ना। हम भी अभी मैच ही देख रहे हैं, खाना वाना हो गया हम लोग का, सबका मैच देखेंगे। आज तो मेरा सोने में 12 बजने वाला ही है, 12 बज ही जाएगा मेरा सोते 12:30 बज ही जाएगा। तो सुबह फिर कल ब्लॉग नहीं बनाएंगे, कल मुझे अभी ब्लॉग 2-3 दिन नहीं बनाएंगे, मुझे कुछ करना है। तो ये ब्लॉग आज 3 ब्लॉग तो आज एक ब्लॉग डाल दिए, तो मेरा 2 ब्लॉग पेंडिंग में रहेगा, ये और पार्ट टू। तो कल पार्ट टू डालेंगे देख रहे हैं, तो नहीं तो नेक्स्ट संडे को डालेंगे, और ये ब्लॉग जाएगा ट्यूसडे तक मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो मंडे या ट्यूसडे तक जाएगा, मंगलवार तक। और क्या उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे, मैंने फ्राइडे तक, ये एक हफ्ता अगले फ्राइडे तक हम भी ब्लॉग नहीं बनाने वाले हैं, सोच रहे हैं, देखिए आगे क्या करते हैं। हम बड़ा ही मूडी इंसान हैं, मूड में जब जो आया ये करना है तो करना ही है बस, और ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को तो मालूम चल ही जाएगा, आप लोग अगर IPL आप लोग के जहन में है तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे, तो आप लोग को तो मालूम चल ही जाएगा कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। तो हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा मेरा, ये दुर्गा पूजा का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और क्या लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूरी बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख़त्म।